सुप्रसिद्ध भारतीय राजनेता और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर सिंह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी ने जोधपुर राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से एक भावपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान राजा भैया जी ने पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवारों को आर्थिक मदद दी और शिविर में दिवाली का आयोजन किया, जिससे पूरे शिविर में आनंद और नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। आदरणीय राजा भैया जी उन पहले भारतीय राजनेताओं में से हैं जिन्होंने इन हिंदू शरणार्थियों की सुध ली, उनकी परवाह की और उनके जीवन में उम्मीद का दीप जलाया। इससे पहले भी माननीय राजा भैया जी ने दिल्ली में मजनू का टीला के आसपास रह रहे शरणार्थियों की आर्थिक और मानवीय सहायता कर उनका स्नेह और सहयोग व्यक्त किया है। पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात करने के बाद माननीय श्री राजा भैया जी ने सोशल मीडिया एक्स पर शरणार्थियों के साथ की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, वर्षों से अमानवीय व अकल्पनीय यातनाएं झेलते हुए भी सनातन धर्म पर अडिग रहने वाले पाकिस्तानी धर्मवीर हिंदू शरणार्थी शिविर जोधपुर गए थे, आज नारकीय स्थिति में है। न सर पे छत, न भरपेट भोजन, न वस्त्र, न शिक्षा, न चिकित्सा की कोई व्यवस्था। वहाँ के सभी हिंदू अपने परिवार, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए भारत में शरण चाहते हैं। वीजा मिलने की प्रतीक्षा है। भारत सरकार उन्हें वीजा और नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाए, ये हर सनातनी की इच्छा है और आपसे यही आशा भी है। वहाँ अत्याचार चरम पे है, समय कम है। माननीय श्री राजा भैया जी से संबंधित हर वीडियो के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय सियाराम।